हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि कल JSSC के द्वारा JSSC CGL का एग्ज़ाम डेट बता दिया गया है, एग्ज़ाम डेट आउट कर दिया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होगा। और ऐसे में JSSC CGL के वो सभी छात्र और छात्राएं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे कि अब कैसे हम लोग 2 महीने में सारे कुछ कंप्लीट करें, कैसे हम लोग सिलेबस को कवर करें। तो फ्रेंड्स, जो अब हमारा वीडियो आएगा वो रिवीजन वीडियो आएगा। इससे पहले स्टैटिक GK के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट कराई हूँ पेपर 3 से रिलेटेड। अब हमारा जो वीडियो आएगा वो सिर्फ रिवीजन वीडियो आएगा। रिवीजन वीडियो में वो सारे टॉपिक बताऊँगी, वो सारे मार्क्स बताऊँगी कि ये टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स आपके बनेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हमारा रिवीजन वीडियो हम लोग का आज से स्टार्ट हो चुका है। अब हर दिन हमारा रिवीजन वीडियो आएगा, जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं आपका हो जाता, एग्ज़ाम ख़त्म जब तक नहीं हो जाता तब तक हमारा रिवीजन वीडियो और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी के साथ सारे वीडियो आएंगे। तो चलिए, हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो भारतीय भाषा एवं लिपि, भारतीय भाषा एवं लिपि से हमारा आज का टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। इससे प्रीवियस एग्ज़ाम में JSSC CGL के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मेन जो बात ये है कि इसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जितने राज्य है भारत में सभी के अपने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, और इस ऑफिशियल लैंग्वेज को ध्यान में रखना। एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि ये स्टेट का बताइए कि इस स्टेट का कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि झारखंड, बिहार, UP, MP, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, ये सभी स्टेट में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में आपकी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, पश्चिम बंगाल में बंगाली है। तो इस तरह से जो टोटल आपके राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें आपको ऑफिशियल लैंग्वेज ध्यान में रखना कि किसके स्टेट के कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको लिपि के बारे में आपको पढ़ना है कि शारदा लिपि क्या है, मोदी लिपि किसको बोलते हैं, शारदा लिपि, मोदी लिपि, रंजना लिपि, प्रचलित लिपि, ये सारे लिपि को आपको देखना है कि कौन सी लिपि को क्या बोलते हैं और क्या नाम है। और इसमें शास्त्रीय भाषा के बारे में आपको जानना है कि शास्त्रीय भाषा कितना है, कब कब कौन से भाषाओं को कब कब संशोधित करके लाया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना। पढ़ना बस इतना ही है कि आपको इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। डीप इसकी नॉलेज रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो चुन चुन के उसमें डालते हैं वो बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो ध्यान में आपके आ जाएंगे एक बार में कि अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए। तो आपको कम से कम इतना ध्यान में ज़रूर रखना है कि लिपि के बारे में आपको जानना है, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज है इसको आपको ध्यान में रखना है, शास्त्रीय भाषा के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और इससे ज़्यादा आपको डीप नॉलेज इसमें नहीं चाहिए। है तो बहुत कुछ इसमें और भी, लेकिन आपको बस इतना ही आपको कवर करना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर एग्ज़ाम में लड़ेंगे फ्रेंड्स। तो हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कुछ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और टॉपिक के साथ आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।